मध्य प्रदेश के खंडवा में सरकारी स्कूल के छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए आधुनिक तरीका अपना रहे हैं। यहां पर शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रदेश का पहला ऐसा स्कूल है जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से छात्राओं को पढ़ाया जा रहा है। जी हां, नई शिक्षा नीति के चलते स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स शामिल किया गया है। छात्राएं भी पूरी रुचि लेकर इससे नई नई तकनीक सीख रही हैं। एआई की अहमियत तब और भी ज़्यादा बढ़ जाती है जब स्कूल के किसी टीचर की सरकारी काम में ड्यूटी लग जाए या फिर किसी वजह से वो स्कूल में नहीं पहुंच पाए तो स्कूल अपने तैयार किए गए एआई टीचर की मदद से पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करा देता है। तो हमारे प्राचार्य सर की पहल के द्वारा उनकी सोच आई कि इस तकनीक को क्यों ना हम अपने शिक्षण में इस्तेमाल करें। तो सर के उस कॉन्सेप्ट को हमने इम्प्लीमेंट किया एआई टूल्स की सहायता से। हम बच्चों को जब एआई पढ़ाते हैं तो उनमें एआई के जो टूल्स होते हैं उसका उपयोग करना सिखाते हैं। तो उन्हीं टूल्स का उपयोग हमने ये सोचा कि क्यों ना उनको विषय पढ़ाने में किया जाए। तो विषय पढ़ाने के लिए हमने कुछ जो ऐप्स हैं उनका इस्तेमाल किया, जिससे हम जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक अवतार हम लेते हैं और वो भी हमने एक शिक्षक का लिया है और उसमें हम कंटेंट लेते हैं और उसी में जैसे कि हमारा एक वॉइस रिकॉग्निशन एक ऐप होता है वो उसको पहचानता है और हमारे जो लिखे हुए सब्जेक्ट रहते हैं जो उसको वो इम्प्लीमेंट करता है। तो एआई तकनीक से पढ़ाई करने में छात्रों को भी काफी अच्छा लग रहा है, छात्र भी मजे मजे से पढ़ाई कर रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर की मदद से अपने सभी सवालों के जवाब भी छात्र फटाफट से हल कर लेते हैं। बच्चों का कहना है कि अब पढ़ने में उन्हें काफी मजा भी आ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी संस्था में एक मुख्य विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पढ़ाई कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल से हम विज्ञानी ने और अन्य विषयों क्या भी अध्ययन कर सकते हैं। जैसा कि मैम ने वीडियो बनाया, अगर कोई सी मैम स्कूल में अनुपस्थित है या कुछ कारणवश स्कूल नहीं आ सकती है तो हम उनके इस वीडियो को देख के अध्ययन कर सकते हैं। इसके माध्यम से हमें पढ़ाई में आसानता होती है और हम इसे बहुत आसानी से समझ पाते हैं। हम ये 3D वीडियो के द्वारा हमें हर चीज़ दिखाई जाती है जिससे हमें पढ़ने में सुविधा होती है। जब हम कोई प्रश्न नहीं समझ पाते हैं तो हम ये AI के माध्यम से ये वीडियो देखकर हम कुछ सवाल जान सकते हैं। अगर हमको कोई परेशानी होती है तो हम ये वीडियो देखकर इन प्रश्नों का हल देख सकते हैं। स्कूल में AI से पढ़ाई की एक वजह यह भी है कि स्कूल को माइक्रोसॉफ्ट ने गोद ले रखा है। यहां माइक्रोसॉफ्ट की मदद से ही AI से पढ़ाई संभव हो पाई है। क्लास में छात्र AI की मदद से पढ़ाई तो करते हैं ही, साथ ही छात्रों के लिए कंप्यूटर लैब भी यहां पर बनाई गई है जहां छात्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर अपने प्रोजेक्ट को तैयार करते हैं। एक्चुअली में हमारे लास्ट ईयर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मुख्य विषय के रूप में 8th, 9th और 10th में पढ़ाया जाता है। और जब एक न्यूज़ चैनल पर एक AI न्यूज़ रीडर को देखा तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि क्या हम ऐसा AI टीचर बना सकते हैं कि जब कोई टीचर उपस्थित नहीं हो, जिस दिन छुट्टी पर हो, तो बच्चों को इस बात का एहसास नहीं हो कि वो टीचर स्कूल में नहीं आया है और वही टीचर एक दिन पहले जो टॉपिक उसको पढ़ाना है उसका वीडियो बनाकर AI के माध्यम से बना दे, तो जिससे कि हम क्लास में अगर उसको दिखाते हैं तो वो बच्चों को समझ में आ जाएगा। विशेषता ये है इस AI की कि इसमें जितने भी ऐप्स लगते हैं उनमें बहुत ही आश्चर्यजनक ऐप्स ऐसे हैं कि अगर बच्चों को कोई प्रश्न पूछना है तो जैसे वो सजीव शिक्षक से पूछते हैं वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर से भी जब पूछते हैं तो वो भी उसका जवाब देता है।